बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेदर फॉरकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टाइम पर कराची में तो धूप निकली हुई है और मौसम गर्म है, हवा भी चल रही है और मौसम गर्म है, और यही सूरत हाल अंदरूने सिंध की भी है, बलूचिस्तान की भी है। और बारिशों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बारिशें जो कि 3 मई से ये सिलसिला शुरू होगा, यानी ईद से ये सिलसिला शुरू होगा, और हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी निकली हुई है। मौसम कराची में तो गर्म है, दोपहर के औकात में काफ़ी गर्मी हो जाती है जबकि दिन के टाइम पर सुबह में और शाम में थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाता है और दोपहर में मज़ीद थोड़ी गर्मी हो जाती है, और यही सूरत हाल ईद तक जारी रहेगी। और ईद के बाद न्यू सिलसिले बनेंगे और बारिशें होंगी, और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के बलाई और वस्ती इलाके और कश्मीर के कुछ मुकामात और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बारिशें होंगी, बलाई इलाकों में बारिशें ज़्यादा होंगी। न्यू रिपोर्ट से आगा होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो शहर का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। आप जो ही कोई सिलसिले बनेंगे आप नाम लिखकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।